लोकसभा चुनाव मतदान से पहले कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण पठानिया ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी और केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक अजय महाजन और करनैल सिंह की उपस्थिति में नूरपुर में प्रेस वार्ता कर करण पठानिया ने राजीव भारद्वाज पर आरोप जड़े। क्या बोले कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण पठानिया, सुनिए विस्तार से। गंजना भारद्वाज जी, ये दो मरतबा चेयरमैन रहे, एक बार तो ये रहे वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट विभाग के, उसके बाद दूसरी बार ये बने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। और मैं कहना चाहता हूं कि इन 5 वर्षों में एक भी नई ब्रांच इनके समय में ये खोल नहीं पाए, उल्टा कुछ ब्रांचें बंद हो गई, बैंक डूबने की कगार पे आ गया। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक जुदी चंद बैंस हुआ करते थे और वो एक होटल के लिए लोन लेना चाहते थे। इनसे पहले कि जो कमेटी बैंक का बोर्ड था वो आदमी वहां अप्रोच करते थे, लेकिन उस बोर्ड ने वो लोन उनका रिजेक्ट कर दिया था, उनको बिल्कुल लोन नहीं दिया था, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की पूरी नहीं फिलफिल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो बोर्ड भंग कर दिया गया, और जिसमें हमारे भारद्वाज जी और रंजीत राणा जी और दो तीन आदमी और उसको बैंक का इन्होंने बोर्ड बना दिया। इन्होंने उसी लोन को जो बैंक ने रिजेक्ट किया था, उस बोर्ड ने 47 करोड़ रुपया वो मांग रहे थे, 20 करोड़ रुपया जो है उसकी एक ही किस्त में इनको 20 करोड़ युद्धचंद ब्याज को इन्होंने दे दिया। जो टर्म एंड कंडीशन होती थी उसके खिलाफ था वो, 20 करोड़ आप किसी को इकट्ठा नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने दे दिया और आज तक वहां एक ईंट भी नहीं लगी। उसके बाद बैंक ने कार्रवाई शुरू की कि आप ये 20 करोड़ गया है आदमी लेके, और आज ये बात है 2019 की, 2019 में उसको 20 करोड़ रुपया दिया था। जब बैंक ने देखा कि आज 19 और इतने साल हो गए ये 1 रुपया भी नहीं आ रहा वापस, तो बैंक ने अपनी कार्रवाई शुरू की। और उसके बाद जब आरसीएस ने इनके खिलाफ फैसला दिया कि या तो उसकी जो प्रॉपर्टी प्राइस कराई गई है उसमें से पैसे वापस किए जाए, नहीं तो जिस कमेटी ने इनको लोन दिया था उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे वापस करें। मतलब कहने का कि जो बोर्ड बनाया गया था नॉमिनेटेड बोर्ड, वही उसको वो लोग पैसा जो है वापस करेंगे। और आज पोजीशन ये है कि आज वो पैसा बैंक का डूबा हुआ है इनकी मेहरबानी से, ना वो पैसा मिला ना आगे कोई कार्रवाई हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि उसी पैसे में से 15 लाख रुपया जो 20 करोड़ दिया गया था, 15 लाख रुपया शांता कुमार जी के ट्रस्ट को वो उस आदमी ने दिया था उसके लिए हॉस्पिटल के लिए। पीछे भी एक बात आई थी कि यहाँ एक इनकी ही ब्रांच, एक बैंक की ब्रांच थी जो जसूर में थी, वो इन्हीं की बिल्डिंग में चल रही थी, तो वहाँ तो उसका किराया उस वक्त 53,500 रुपया था, पहले से चल रहा था। जनाब ने जब चेयरमैन बने और इन्होंने उसका किराया बढ़ा के 28,000 रुपया कर दिया, बड़ा शोर शराबा हुआ। तो इन्होंने एफिडेविट वगैरह दे दिया कि ये तो मेरा तो ये जमीन ही नहीं है, ये तो मेरे भाई की है, मेरे फलाने की है। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि जब ये जमीन उसमें फोर लेन में आई तो क्या इन्होंने वहां मुआवजा नहीं लिया उस जमीन में से। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।